वंदे मातरम मित्रों, मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ, आपका चिर परिचित शुभचिंतक हरकेश चौहान। जो अभी ये बुखार के लिए मैंने बताया था, अभी उसमें मैं आपको एक प्राकृतिक उपचार बताऊंगा, उसे हम बोलते हैं संपूर्ण चादर लपेट। ये बड़ा ज़बरदस्त उपचार है, इसके द्वारा आप काले पीलिए को भी ठीक कर सकते हो। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के हो, सभी ABC सबको ठीक करोगे। कैसा भी बुखार हो आपका, बिल्कुल दूर हो जाएगा। करने का तरीका क्या है समझ लेना, बहुत आसान है। आपके रोगी को दो तरीके बताऊंगा, दोनों में से कोई भी एक करेंगे। क्या करोगे आप, करीबन 6 कपड़े ले लेना सूती, उसको पानी में भिगोइए। भिगोने के बाद घुटने से लेके टखने तक चारों तरफ, जैसे पलस्तर करते हैं, यहाँ से आप बांधना शुरू करोगे, पूरा यहाँ तक लेके जाएंगे। ऐसी दोनों पैरों में, ऐसी दोनों हाथों में कोहनी में यहाँ से बांधोगे, यहाँ तक बांधते जाएंगे, पूरे पेट के ऊपर, यहाँ से लेके जहाँ नाड़ा बांधते वहाँ तक, और माथे पे 5 जगह आप पानी की पट्टी करेंगे। उससे आपने देखना, देखते देखते इसका बुखार उतर जाएगा। चाहे कैसे भी कितना खतरनाक पित्त ज्वर हो, चाहे आपका विषम ज्वर हो, चाहे आपका कफ ज्वर हो, कोई भी दूर ज्वर हो, बुखार इसे बोलते, दूर हो जाएगा। दूसरा तरीका आपने क्या करना है, अगर आप ऐसा ना करना चाहें, छोटा बच्चे के लिए, उसमें क्या, उसको निर्वस्त्र कर दीजिए। आप बड़े को भी कर सकते हो। करने के बाद आपको दो चादर लेनी है, बिल्कुल गीली कर लेनी है पानी में। एक चादर आप नीचे बिछा दीजिए, पहले आप कोई चटाई या फिर कोई पॉलीथीन पेपर बिछा दो, ताकि आपकी बेडशीट गंदी ना हो। उसके ऊपर आपने गीली चादर बिछा दी, और ऊपर से एक गीली चादर उस मरीज को उड़ा देना है। पहले चादर बिछाया, उसके ऊपर आपने रोगी को सुला दिया। सुलाने के बाद आपने पूरी एक गीली चादर ओढ़ ली, उसको पूरा ढक दिया चारों तरफ से, सिर्फ उसका मुंह, नाक और मुंह छोड़ दीजिए, बाकी पूरा पूरा ढक दो। उसको प्यास लगी, थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहिए, बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा पानी उस चादर के ऊपर छिड़कते रहिए। दिन में 2 दफ़े कीजिए, उसका बुखार बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बड़ा चमत्कारिक योग है ये, कितना भी खतरनाक बीमारी हो ठीक हो जाएगी। और एक एक बूंद सरसों का तेल गर्म करके दोनों नाक में डाल दीजिए और नाभि में भर दीजिए। नाभि में भरने का तरीका, रुई को लीजिए, सरसों के तेल में डुबाइए, और उस रुई को नाभि के अंदर डाल के ऊपर से टेप लगा दो। दोनों पैरों की पगथलियों में आपने क्या करना है, प्याज को कद्दूकस करना है, उसका जूस निकाल के पूरा लेप कर दीजिए, और ऐसे हाथ पे कर दीजिए। आप देखना, करते करते उस रोगी का बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये फ्री का योग आपको बता रहा हूँ। ऐसे करने से मैंने बहुत से लोग जो बुखार से पीड़ित थे, छोटे छोटे बच्चों को ठीक किया, और परमात्मा की दया से दोबारा से बुखार नहीं आया। तो ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, इसको आप जनहित में इतना भेजिए कि बेचारा गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आसानी से इस बीमारी को दूर कर पाए। क्योंकि दवाइयाँ लोगे, शरीर में गर्मी बढ़ेगी, बीमारी एक ठीक नहीं होगी, और खड़ी हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई गर्मी नहीं बढ़ेगी, बल्कि सर्द गर्म दोनों बराबर हो जाएगी, आपकी बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसके लिए आप ऐसे ऐसे नुस्खे मैं आपको बताऊंगा, आप उसके लिए मेरे को हाथ जोड़ से आपसे विनती कर रहा हूं कि इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा जनहित में फैलाएं, ताकि हर लोगों के पास ये पहुंचे और वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और ज़िंदगी भर के लिए रोग मुक्त हो जाएं। और परमात्मा के अंदर जो बनाई हुई ये प्रकृति है, ये गौ माता है, ये जितनी सृष्टि है, उसका आशीर्वाद हम प्राप्त कर पाएँ। तो इसके लिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के तहे दिल से गुजारिश है कि पूरे संसार में ये वीडियो वायरल करें, ताकि वो लोग इसका स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।